ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने है, एक नई बात नई चीज लेकर आ गया दोस्तों। लेक्चर नंबर 5 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ACCA F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वी हैव कवर्ड लास्ट 4 लेक्चर्स। And today I will be starting with the 5th lecture। और बेटे मैंने बड़ी प्यारी सी एक quotation लिखी है, little progress every day। If you are from science background, non-commerce background, no issues। A little progress every day will give you big results। बेटे हर रोज की थोड़ी थोड़ी कोशिश आपको बहुत बड़े results देने वाली है। तो आप प्लीज हिम्मत मत हारिए, करके दिखाना है। जब ज्वाइन कर ही लिया है ACCA तो बेटे फिर करके दिखाना है। मजा तब है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए एक एग्जांपल हो जाएं। तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। टुडे लेक्चर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड आई विल बी डिस्कसिंग माय कंसेप्ट नंबर 5 बिकॉज आई हैव डिवाइडेड ऑल द चैप्टर एज पर दिस कैप्लन एंड बीबीबी इन 5 कंसेप्ट्स। मैंने अपने 5 कंसेप्ट्स बनाए हैं बेटे, और वो जो कंसेप्ट्स हैं आपस में इंटर रिलेटेड हैं। योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग आउटकम्स आर नॉट इंटर रिलेटेड, बट आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी लर्निंग आउटकम। बट आपको मेरे कंसेप्ट के बेसिस पे चलना है बेटा। आई हैव कवर्ड 4 कंसेप्ट, आज 5वां कंसेप्ट है। आप देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी शो भी किया है अपने स्लाइड्स में, अगर आपके पास स्लाइड्स हैं तो यू कैन हैव अ लुक। यू नो दीज आर यू नो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दीज आर द दिस एंड आई हैव डिस्कस यू नो ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग, मैंने ये कर लिया है। अकाउंटिंग कंसेप्ट भी डिस्कस कर लिया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्कस कर लिया है, यूजर्स लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। टुडे वी विल बी डूइंग विद वन प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यूजर्स भी कर लिया बेटे। आज हम फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंटिटीज करेंगे एंड देन वी विल बी डूइंग विद द लास्ट यू नो कंसेप्ट, उसमें 3-4 लेक्चर्स लग जाएंगे। इट मीन्स इन टोटल 8-9 लेक्चर्स विल बी देयर एंड आई कैन कंप्लीट माई चैप्टर नंबर 1 इन रेट्स टू इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट यूजर्स, दैट व्हाट आर द डिफरेंट यूजर्स ऑफ दैट। और मैंने इसमें बड़ा प्यारा सा आपको थ्योरी समझाया और ये भी बताया दैट स्टेक होल्डर और पब्लिक इज इंटरेस्टेड इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, CSR, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट और ऑल दैट। आइए क्वेश्चन देखते हैं बेटे। लास्ट क्लास में शायद ये लेक्चर, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया लेकिन यू मस्ट हैव सीन इन योर PPTs। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर्स डू यू थिंक रिक्वायर द मोस्ट डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू देम। बेटे आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन किसकी है बेटे। आपको सबसे ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल, कॉम्पिटिटर्स वॉन्ट मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट फॉर द बिजनेस वॉन्ट मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, इंप्लॉयज वॉन्ट मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टर्स वॉन्ट मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, अदर स्टेक होल्डर्स वॉन्ट मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। आपने मुझे बताना है, कमेंट में लिखिएगा, आंसर मत देखना। मैंने आंसर इसका लेफ्ट हैंड साइड में लिखवी दी है लेकिन कसम होगी अगर आपको, आपने अगर आंसर देखा, ये देखिए आंसर लिखा है, आपने नहीं देखना, आप जस्ट हैव एन आइडिया, जो भी कंसेप्ट मैंने बताए हैं उसके बेसिस में बताइए कि क्या कॉम्पिटिटर्स, बेटे कॉम्पिटिटर्स को तो एक लेवल तक जानकारी चाहिए, इतनी डिटेल तो नहीं चाहिए कि कौन सी फैक्ट्री में प्रॉफिट है, कौन सी फैक्ट्री में प्रॉफिट नहीं है। दे आर ऑल इंटरेस्टेड दैट विच न्यू प्रोडक्ट्स दे आर कमिंग, वट आर द फीचर्स फॉर दैट, नो डाउट दे रिक्वायर द इन्फॉर्मेशन बट नॉट इन डिटेल्ड। इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट एज अ मैनेजर, एज अ CEO ऑफ अ कंपनी, you must be worried about factory 1, factory 2, factory 3, factory 4, what are the products, which is to be made, which is to be purchased, which is to be buy, all that detailed information you require because you want to manage your company. So, but a management of that company requires more detailed information. ठीक है जी, आइए मैं आज के इस लेक्चर में आपको बड़ा प्यारा सा एक फॉर्म बताने वाला हूँ एंड दैट इज माय कंसेप्ट नंबर 5, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज। प्लीज आप ये हार्ड कॉपी अपने पास रखें एंड अपने रजिस्टर्स ओपन कर लें क्योंकि मैंने कुछ आज आपको बताना है। यू हैव टू राइट ऑन दोज एग्जाम्पल्स, बड़े प्यारे से आई हैव गिवन द एग्जाम्पल्स इन बंटी एंड बबली इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। व्हेन आई स्टार्ट अ बिजनेस एज अ इंडिविजुअल, एज अ सोल ओनर, तो उसका मीनिंग क्या है। सेकेंड, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, और थर्ड, कॉर्पोरेट एंटिटी कंपनी।
तीनों का डिफरेंस देखेंगे, पहले मीनिंग देखेंगे और बंटी और बबली की कहानी को समझेंगे। तो रजिस्टर ओपन कर लीजिए बेटा, रजिस्टर ओपन कर लीजिए, इरादे बुलंद कर लीजिए। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आइए हम सभी बेटे आज बड़े प्यारे से लेक्चर की तरफ चल रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप मेरी कहानी को सुनिए, मेरी चर्चा सुनिए। देखिए ये जो कहानी, ये जो चर्चा मैं बताता हूँ ना, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। अगर आप इसको ध्यान से सुन लेते हैं तो आपको रिलेशनशिप समझ आ जाता है, फिर याद करना नहीं पड़ता, याद हो जाता है। यही तो भूपेश आनंद की क्वालिटी है कि याद करना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। तो बेटे माय स्टोरी चैप्टर 1 कंसेप्ट नंबर 5 लेक्चर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड आई एम टेलिंग यू व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3। बेटे आप जब बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप मुझे एक चीज बताइए, आपके कभी मन में आएगा पैसा कमाना है? आप ACCA, you are doing ACCA, supposedly आप ACCA, भगवान करे जल्दी से यू विल बी क्वालिफाइड एज ए ACCA मेंबर और आपको मेंबरशिप मिल जाए, देन यू कैन स्टार्ट एज ए बिजनेस और यू कैन स्टार्ट एज ए बिजनेस एज ए प्रैक्टिसिंग ऑल्सो। आप अपना बिजनेस, अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। सपोजिंग यू वॉन्ट टू स्टार्ट विद योर प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस में यू विल हैव डिफरेंट फॉर्म्स, यू नो आई कैन हैव अ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, आई कैन स्टार्ट प्रैक्टिस एज ओन। मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूं एज ए इंडिविजुअल ओनर। व्हेनेवर यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, कभी भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में आइडिया होगा बेटे, आइडिया, थॉट्स, क्रिएटिविटी। उबर, ओला, ये जो भी बिजनेस स्टार्ट हुए, they have not started as a big giant। आपको लगता है धीरूभाई अंबानी ने पहले बहुत बड़ी कंपनी बनाई होगी उसके बाद स्टार्ट किया होगा बिजनेस? नहीं बेटे, बेटे हमेशा चीजें स्टार्ट नीचे लेवल से होती हैं, छोटे लेवल से होती हैं और फिर धीरे 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 यू नो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, फिर धीरे धीरे वो फॉर्म बढ़ती है और फिर काफिला बन जाता है। आप अकेले थे, आप जब स्टार्ट करोगे ना ACCA आप अकेले ही रहोगे, पेपर आपको अकेले देना है, लेकिन धीरे 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 आपकी बातों को सबको समझ आना शुरू होगा। जैसे यू क्लियर दीज एग्जामिनेशन बेटे, नॉलेज लेवल क्लियर करेंगे, स्किल लेवल क्लियर करेंगे, प्रोफेशनल लेवल, और फिर आगे बढ़ जाएंगे। अकेले थे, अकेले हो, अकेला ही रहूंगा, ए मार्ग के सहारो मत दो मुझे सहारा, मुझे है दूर जाना। अगर आपको सच में जल्दी जाना है तो बेटे अकेला ही जाना चाहिए और बहुत दूर जाना है। बेटे मैंने एक बड़ी प्यारी सी ना कोटेशन आपके लिए रखी है, आप अगर देखेंगे तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बेटे एक कोटेशन बड़ी प्यारी सी, ये देखिए, इफ यू वॉन्ट टू गो फास्ट गो अलोन, अकेले जाओ, अकेले जाओ, महात्मा गांधी अकेले गए थे। इफ यू वॉन्ट टू गो फार, अब एक बच्चों को नींद आ रही थी, उसको लगा ये दोनों चीजें एक ही है। बेटे फास्ट और फार में डिफरेंस है। अगर दूर जाना है तो सबको लेके चलो, पार्टनरशिप करो, कंपनी करो। अगर जल्दी जाना है तो प्रोप्राइटरशिप में जाओ, सोल ओनरशिप, इंडिविजुअल काम करो। बेटे दोनों में डिफरेंस है। मैं आज इसी कोटेशन को रिलेट करूंगा आज के लेक्चर नंबर 5 में, दैट व्हाट इज द फॉर्म, व्हाट शुड बी द फॉर्म ऑफ बिजनेस व्हेन आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। आइए लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस माय स्टोरी। बेटे बंटी एक व्यक्ति है, बंटी इज अ पर्सन एंड ही वॉन्ट्स टू बिकम रिच, ही वॉन्ट्स टू अर्न मनी एंड ही कैन अर्न मनी व्हेन ही कैन स्टार्ट विद अ बिजनेस एंड द पॉइंट इज ही हैज स्टार्टेड अ बिजनेस। बेटे उसने छोटी सी एक दुकान खोल ली बेटे, गारमेंट्स की, कपड़ों की, किसी की भी चीज की खोल सकते हैं ना। द पॉइंट इज ही कैन स्टार्ट अ बिजनेस और ही विल स्टार्ट अ बिजनेस। जनरली जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना बेटे, तो बड़े छोटे फॉर्म में स्टार्ट करते हैं, हम खुद ही काम करते हैं, अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, अपनी कैपिटल के बाद अपनी डिसीजंस लेंगे, अपने एफर्ट्स करेंगे, अपनी एक्टिविटीज करेंगे, सारा प्रॉफिट हमारे पास होगा। इट मीन्स वी विल बी वर्किंग इन अ वेरी लिमिटेड फॉर्म। तो बंटी ने भी यही किया बेटा, उसको जैसे एक माइंड में आइडिया स्टक हुआ, उसने वो बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस के बाद स्मॉल स्केल था, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है बेटे, आज ही स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। तो कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है एज अ सोलो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। देर आर नो यू नो कंपल्शन कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, देर इज नो कंपल्शन कि आपको डिस्क्लोज भी करना है। और दूसरी बात, मैं अकेला हूं, मेरे को किसी को साथ में ले जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आई एम द 100% ओनर, मैं ही टाइटैनिक चला रहा हूं, मेरी शिप है, मैं ही अकेला हूं, तो जैसे मर्जी चलाऊं, जैसे जो मर्जी करूं। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म।
इट मीन्स इफ आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस तो मैं अपनी कैपिटल लेके आ सकता हूँ, उसमें कुछ एडिशन कर सकता हूँ, उसको विड्रॉ कर लूंगा, प्रॉफिट सारा ऐड कर दूंगा, सेम डिसीजंस होंगी, फास्ट डिसीजंस होंगी, क्विक डिसीजंस होंगी, ऑडिट की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए बंटी ने भी यही किया बेटे, बंटी ने भी यही किया। स्टोरी देखिए बंटी, मनी बिजनेस स्मॉल स्केल सिंपल फॉर्म, वन पर्सन कंपनी, डिसीजन, कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग। मैंने आपको बताया कैपिटल विल बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय बंटी बिकॉज ही इज द ओनर। इट मीन्स देयर विल बी लिमिटेड रिसोर्सेस, देयर विल बी यू नो देयर विल बी लिमिटेड कैपिटल, ही कैन यूज हिज ओन माइंड ओनली, ही विल हैव लिमिटेड टाइम। बट बेटे धीरे 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 क्या हुआ, जब बंटी का काम बढ़ेगा ना तो वो पार्टनरशिप में जाएगा, अभी देखते हैं। बट पहले यहां पर आ जाइए, बट इफ यहां पे आ जाइए बेटे, फीचर्स ऑफ सोल ओनर। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस वर्बली दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द सोल ओनर। व्हेन आई से सोल ओनर आई मीन वन ओनर, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है बेटे आपके एग्जामिनेशन के लिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिकॉज ही इज द ओनर तो इंडिविजुअल एज अ ओनर वो कुछ भी करेगा तो इंडिविजुअली ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज एक्टिविटीज। बिकॉज दुनिया वाले तो मान रहे हैं ना कि बंटी कर रहा है सब कुछ, बिकॉज बंटी इज द ओनर एंड ही इज द सिंगल ओनर। सपोजिंगली ही परचेजेस सम गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ सप्लायर, तो बेटे सप्लायर उस बंटी को ही पकड़ने वाला है। कल अगर उस बंटी की बैंकक्रप्सी हो जाती है, बंटी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, देन दिस सप्लायर कैन रिलाइज हिज मनी बाय सेलिंग हिज पर्सनल एसेट्स। बिकॉज बेटे पर्सनल एसेट्स का मतलब है उसके घर की चीजें भी वो खरीद बेच कर अपने पैसे ले सकता है, क्योंकि बंटी हैज इज डूइंग अ बिजनेस, ही इज अ सोल ओनर एंड ही डज नॉट हैज एनी लिमिटेड लायबिलिटी, ही विल बी हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्योंकि हम मानेंगे कि वो बंटी या बिजनेस एक ही व्यक्ति है, एक ही रिटर्न होगी बेटे, कोई एजेंसी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बच्चा कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंसी प्रॉब्लम, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू नो ओनर्स आर डिफरेंट पार्टीज एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट। ओनर्स और मैनेजमेंट अलग अलग है। बिल गेट्स थोड़ी पूरी कंपनी को मैनेज करता है बेटे। आपको मैंने कहा लास्ट में अमेजोन का बताया था ओनर स्टीव जॉब्स, क्या या फुल देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओनर्स एंड मैनेजमेंट। मुकेश अंबानी इज नॉट मैनेजिंग ऑल द थिंग्स, मुकेश अंबानी इज द ओनर, ही इज अ मेजर स्टेक होल्डर, बट स्टिल मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ACCAs, कॉस्ट अकाउंटेंट, साइंटिस्ट, अदर मैनेजर्स, दे आर मैनेजिंग द होल शो। नाउ द पॉइंट इज इंप्लॉइज आर देयर, नाउ दीज पीपल, इन सबका ऑब्जेक्टिव कुछ अलग है। मुकेश अंबानी का ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है, मुकेश अंबानी का ऑब्जेक्टिव होगा ग्रोथ ऑफ प्रॉस्पेक्ट, बट ये जो इंप्लॉइज हैं दे रिक्वायर बोनस मिल जाए, दे रिक्वायर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, बट मुकेश अंबानी रिक्वायर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। दिस सीईओ, दिस सीएफओ ऑफ रिलायंस जियो, ही कैन यू नो ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड कि ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो, बट मुकेश अंबानी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ही शुड डाइवर्सिफाई, तभी तो वो जियो में आ गए, टेलीकम्युनिकेशन में एंटर कर गए, पेट्रोलियम में एंटर कर गए। इट मीन्स द पॉइंट इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओनर्स एंड मैनेजमेंट थॉट प्रोसेस। दिस डिफरेंस इन द थॉट प्रोसेस बिटवीन टू एंटिटीज दैट इज नेम्ड एज एजेंसी प्रॉब्लम। बेटे अब सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, मैं ही मालिक हूं, एक मालिक, एक कैपिटल, एक प्रॉफिट, एक डिसीजन, एक एफर्ट, तो कहां पर बेटे मैनेजमेंट एजेंसी प्रॉब्लम होगा। आई एम द ओनर, आई एम द मैनेजर, whenever there is a difference between the owner and the manager then only the agency problem can be there, you're getting the point। to bete features mein aap likh le, aap mein se kuch bacche na likh nahi rahe, thappad marunga kheench ke unke। features of sole owner, one owner, unlimited liability bata di, no separate entity। abhi hum discuss karenge company, in a company I will discuss one case, Solomon versus Solomon, we have a different corporate entity, F4 mein, F5, 6 mein, you will be discussing the law and within that law I will be telling you company form of organization, aaj bhi bataunga, beta usme ek case law hai, Lee versus Lee's air farming, Solomon versus Solomon, matlab हम वहां पर कंपनी को एक सेपरेट एंटिटी मानेंगे, एक आर्टिफिशियल पर्सन मानेंगे, बट प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में, वी विल नॉट ट्रीट इट एज अ सेपरेट पर्सन। इन द आईज ऑफ लॉ, इन द आईज ऑफ पीपल,
दैट बंटी एंड द बिजनेस आर वन ऑफ द सेम पर्सन, दे आर नॉट डिफरेंट. ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर बेटा सिंपल होगा, अपनी कैपिटल होगी, अपनी एडिशन करेगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, अपने ड्रॉइंग्स करेगा, घर में खर्चे की जरूरत होगी, घर पैसे ले जाएगा, ड्रॉ करेगा, प्लस प्रॉफिट सारा ऐड हो जाएगा. तो दिस इज द फॉर्म ऑफ यू नो, नो लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ डूइंग, यू नो देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट टू डिस्क्लोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मैंने वर्ड यूज किया डिस्क्लोज, बनाने पड़ेंगे, बट डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है. अच्छा, जब डिस्क्लोज ही नहीं करने तो आप बताए फिर ऑडिट क्या कराना, ऑडिट करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. तो मैंने यहां पर ये लिखा. अब लेकिन धीरे धीरे होगा क्या बेटे, बंटी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है. सुनना जरा ध्यान से, बंटी के पास लिमिटेड टाइम है, बंटी के पास लिमिटेड क्रिएटिविटी है. तो बंटी ने क्या किया, अपनी गर्लफ्रेंड बबली को बुलाया और उसे बबली को सारी बात बताई. ऐसे 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 बबली, ऐसे 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 बबली. तो बबली को उसका आइडिया बड़ा अच्छा लगा. तो बबली कहती है ठीक है, मैं आ जाती हूं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए, क्योंकि एक और एक दो नहीं होते, एक और एक ग्यारह होते हैं. अब बेटे देखिए, बंटी और बबली दोनों बिजनेस करने के लिए तैयार हो गए. इट मींस इफ देयर आर मोर देन वन ओनर, देन आई विल से इट इज अ पार्टनरशिप. बेटे पार्टनर का मतलब क्या है, एक से ज्यादा ही पार्टनर हो सकते हैं बेटा. तो पार्टनरशिप फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देंगे अपनी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को. तो देखिए, बंटी ने स्टार्ट किया एज अ प्रोप्राइटर. After some activities are being increased, then he has introduced or Bubbly also joined hands with Bunty, and now both of them jointly doing the business. अब बेटा बताओ, Bubbly भी capital लेकर आएगी, Bubbly की भी decisions होंगी, Bubbly की भी बातें होंगी, Bubbly भी time देगी, profits भी दोनों distribute करेंगे. तो this form of organization is partnership. But the point is, again यहाँ पर जो business है, हम मानेंगे बंटी और बबली ही चला रहे हैं. इट मीन्स दे डोंट हैव अ सेपरेट एंटिटी. आई रिपीट, स्टिल इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म वी कैन हैव लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी. बेटा लिमिटेड लायबिलिटी करनी है तो हम कॉर्पोरेट फॉर्म में जाएंगे, कंपनी फॉर्म में जाएंगे. बट इफ दे आर जस्ट स्टार्टिंग एज अ पार्टनरशिप फॉर्म, इट मीन्स देर इज अ अनलिमिटेड लायबिलिटी. आपने क्लास 12th में डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में गार्नर वर्सेस मरे किया होगा. बेटे मैं गार्नर वर्सेस मरे की बात बताऊंगा, मैं अभी कुछ और कहना चाहता हूं. यू नो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आई कैन स्टार्ट. आई हैव जस्ट टोल्ड यू बंटी हैज स्टार्टेड विद द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म एंड देन दे हैव कन्वर्टेड टू पार्टनरशिप, एंड देन आई विल टेल यू दैट दे कैन कन्वर्ट टू द बेस्ट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अ कंपनी. अभी देखेंगे कंपनी क्यों बेस्ट फॉर्म है, बट अभी मैं पार्टनरशिप में हूं. आप को नींद आ रही है बेटे, आप कमर सीधी करके बैठे, पानी पी लीजिए प्लीज प्लीज. अनलिमिटेड लायबिलिटी, इट मींस पार्टनरशिप फॉर्म, इन केस यू आर डूइंग अ बिजनेस विद द पार्टनरशिप फॉर्म, अगेन इट विल हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी. पार्टनरशिप फॉर्म विल नॉट बी रिगार्डेड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बट स्टिल देर आर प्रॉस एंड कॉन्स. बेटे वेन एवर वी आर डूइंग समथिंग, देर आर प्रॉस एंड देर आर कॉन्स. द पॉजिटिव पॉइंट इज नो ऑडिट रिक्वायरमेंट, नो डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द पब्लिक. ये पब्लिक है, सब जानती है. लिमिटेड बेटा लायबिलिटी बस लिमिटेड नहीं है, बाकी सब बेनिफिट्स भी हैं. सिंपलेस्ट फॉर्म है, मैं तो ये कहूंगा. नो एजेंसी इश्यूज, आप खुद ओनर हैं, बंटी और बबली दोनों बिजनेस कर सकते हैं, दोनों डिसीजन ले सकते हैं, दे आर द ओनर्स, दे आर द मैनेजर्स. सो द पॉइंट इज नॉट मैंडेटरी टू डिस्क्लोज, नो एजेंसी प्रॉब्लम. बट नाउ बिकॉज बबली हैज बीन इंट्रोड्यूस एज अ पार्टनर, नाउ दे आर वर्किंग एज अ पार्टनरशिप फर्म, सो बबली कैन ब्रिंग सम कैपिटल फ्रॉम हर ओन पॉकेट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, बेटे आप ये बताओ, कैपिटल बंटी ने भी लगाई, बबली ने भी लगाई, एक और एक ग्यारह हो गए, प्रॉफिट भी तो ज्यादा होगा. अच्छा, जब प्रॉफिट ज्यादा होगा तो बेटे दोनों को बटेगा एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बट द पॉइंट इज, मैं आपसे एक बात और पूछूंगा. धीरे धीरे बिजनेस और बढ़ गया. बंटी और बबली बैठे हुए थे बेटे कॉफी हाउस में, कॉफी पी रहे थे सिप सिप, और अचानक बोल पड़े कि आज वी हैव इंक्रीज टर्नओवर इन करोड़, वी आर डूइंग एक्सपोर्ट, वी हैव एम्प्लॉयड सो मेनी एम्प्लॉइज, वी हैव सो मेनी फैक्ट्रीज. बेटे बिजनेस इतना बढ़ गया कि वो कहते हैं अब हमारे से मैनेज नहीं हो रहा,
नाउ दे वॉन्ट दैट उनके नाम के आगे लगे डायरेक्टर, डायरेक्टर डॉट बंटी, डायरेक्टर डॉट बबली. सो इट मीन्स दे वॉन्ट टू कन्वर्ट नाउ टू पार्टनरशिप फॉर्म टू अ कंपनी. मैंने देखिए कहानी बता रहा हूं अभी आपको, मैंने कहानी स्टार्ट की थी बंटी से, अकेला था, अकेला हूं, अकेला ही चलूंगा. फिर बबली आ गई, अब बंटी और बबली कॉफी हाउस में बैठे हैं, उनकी एक्टिविटीज और बढ़ गई. नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड्स वेरी बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज अ कंपनी, अ कॉर्पोरेट एंटिटी. व्हेन आई से अ कॉर्पोरेट एंटिटी, इट मींस वी विल फॉर्म अ आर्टिफिशियल पर्सन. हम एक नए इंसान को जन्म देंगे. बेटे इंसान दो तरह के हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन. बेटे हम यहां आर्टिफिशियल पर्सन की बात कर रहे हैं. नेचुरली ये कंपनी नहीं बनेगी. बंटी और बबली अपनी जो कंपनी बना रहे हैं नेचुरली नहीं बनेगी, बट दे आर फुलफिलिंग द फॉर्मेलिटीज ऑफ द लैंड एंड दे आर कॉर्पोरेटिंग अ न्यू फॉर्म दैट इज अ कंपनी. उसमें क्या होगा, कंपनी के कुछ फीचर्स हैं. अब बेटे हमें समझना है कि कंपनी के फीचर्स क्या है. आइए जरा देखें. बंटी और बबली अब डायरेक्टर बनना चाहते हैं. उसके बाद उस डायरेक्टर को बनने के लिए दे वॉन्ट टू स्टार्ट एज अ कंपनी. नाउ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. बेटे अब बंटी और बबली की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी, बिकॉज कंपनी को हम एक सेपरेट लीगल लॉज में एज पर लीगल फॉर्मेशन दिस पर्सन विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट पर्सन. सो इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. बेटे एक केस आया था सोलोमन वर्सेस सोलोमन का, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये कंपनी को कुछ पैसे देने हैं तो इट कैन बी लिमिटेड अप टू द एसेट्स ऑफ दैट कंपनी. बेटे अगर इफ दिस कंपनी हैज बोरोड समथिंग फ्रॉम अ बैंकिंग कंपनी और क्रेडिटर से उसने उधार में सामान खरीदा है और कल इस कंपनी का दिवालिया निकल जाता है, तो बैंकर्स क्रेडिटर्स कैन मैक्सिमम सू दिस कंपनी ओनली, नॉट बंटी एंड बबली, बिकॉज दिस कंपनी इज अ सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन. हाँ, इस कंपनी को आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, इस कंपनी को अपना ऑडिट कराना पड़ेगा. नाउ देयर कैन बी एजेंसी प्रॉब्लम एज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड कि बंटी और बबली अब सब कुछ मैनेज ही नहीं कर सकते. बेटा आप बताइए, बिल गेट्स का सब कुछ मैनेज कर सकता है? नाउ बिल गेट्स इज द ओनर एंड अदर पर्सन आर मैनेजमेंट. नाउ देयर इज अ गैप बिटवीन ओनर एंड मैनेजमेंट बिकॉज दे हैव डिफरेंट थॉट प्रोसेस. मैंने बताया था व्हाट आर द डिफरेंट थॉट प्रोसेस, बिकॉज इसको ऑब्जेक्टिव अलग है, इसको ऑब्जेक्टिव अलग है. ओनर्स का ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म, ओनर्स का ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ, बट मैनेजर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, शॉर्ट टर्म. देयर ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिटेबिलिटी, देयर ऑब्जेक्टिव इज नॉट चेंज, नो चेंज. दे वॉन्ट टू लिव इन देयर ओन कंफर्ट लेवल, बट दिस ओनर डोंट वॉन्ट टू लिव इन हिज ओन कंफर्ट लेवल. तो बेटा देयर इज अ थॉट डिफरेंस एंड दैट डिफरेंस इज नेम्ड एज एजेंसी प्रॉब्लम. तो बेटे आप थोड़ा सा ये लिख लें, कंपनी इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीगल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. जब हम कंपनी बनाते हैं, बिकॉज कंपनी एक जुडिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, बंटी और बबली अलग इंसान हो गए, कंपनी अलग हो गई, तो हम ये सोच के बनाते हैं कि दैट दिस कंपनी विल गो ऑन. जब तक सूरज चांद रहेगा कंपनी, तेरा नाम आबाद रहेगा. ठीक है जी, कैश लिमिटेड लाइबिलिटी कॉमन से लिए सब बता दिया मैंने. अब मैं आ रहा हूं जी आपके पास बड़ी प्यारी सी बात समझाने के लिए. आप जल्दी से अपना वो खोल लीजिए पीपीटी. मैं पीपीटी में आ गया. बेटे बिजनेस एंटिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलरली एंटर्स इनटू ट्रांजैक्शन मॉनिटरी टर्म्स फॉलोइंग कैन बी द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटिटी. तो बेटे आज का लेक्चर नंबर 5 में मुझे यही कंसेप्ट बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. बार बार पूछ रहे हैं बेटा. फर्स्ट पहले मैं सोल ट्रेडर को देख रहा हूं, वन ओनर. पार्टनरशिप को देखिए, पहली पॉइंट, एटलीस्ट टू पर्सन्स. और बेटे लिमिटेड कंपनी को देखिए, लिमिटेड कंपनी. शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स. तो फिर बंटी और बबली को शेयर्स मिलेंगे, फिर कैपिटल का चक्कर कुछ नहीं रहेगा, शेयर कैपिटल आ जाएगी. ठीक है जी, पहली बात आपको सबको समझ आ गई. सिंपलेस्ट फॉर्म आज स्टार्ट कर सकता हूं, अभी कर सकता हूं. देर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज इवन इन पार्टनरशिप फॉर्म, देर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज. बट इन केस आई वॉन्ट टू स्टार्ट एज अ कंपनी, बट देर इज अ लीगल फॉर्मेलिटी, देर इज अ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, देर इज अ सेपरेट कंपनीज एक्ट फॉर दैट लैंड
आई हैव टू फॉलो दैट. बेटे वो सारी बातें मुझे पूरी करनी पड़ेंगी, देन ओनली आई कैन स्टार्ट इट एज अ कंपनी. तो थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटीज, कंपनी फॉर्म में जा रहा है, पार्टनरशिप में और सोल प्रोवाइडर में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी. अनलिमिटेड लायबिलिटी, आप देखिए यही तो डीमेरिट है, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ओनर इन केस ऑफ पार्टनरशिप, सोल ओनर, इवन इन केस ऑफ पार्टनरशिप, यू नो. बट यहां देखेंगे अगर आप, तो बेटा लायबिलिटी ऑफ द ओनर इज लिमिटेड टू दिस एक्सटेंट ऑफ दिस. मैं अभी बताऊंगा कि कंपनी इश्यूज शेयर्स, और शेयर्स की फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू में दे कैन, कंपनी कैन कॉल अप 100 रुपीज, और 100% एज अ फेस वैल्यू कैन बी कॉल्ड अप, और कैन कॉल अप टू सम लेस अमाउंट. सो हम देखेंगे. अभी आप मान लीजिए इन केस ऑफ अ कंपनी देर इज अ लिमिटेड लायबिलिटी, मैं आ गया जी नो सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट्स वाई सोल ओनर में. तभी तो मैंने आपको बताया कि सोल ओनर में वी विल हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी. एंड अगेन इन दिस केस, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, सेपरेट लीगल एंटिटी इज देयर, सेपरेट लीगल एंटिटी. बेटे कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना, किसका बेटे कैपिटल स्ट्रक्चर जो है सोल प्रोप्राइटर का, एडिशन होगी, प्रॉफिट होंगे, लॉसेस होंगे, अकेला था, अकेला हूं, अकेला ही चलूंगा. बंटी, यहां पर बंटी और बबली आ गए, करंट अकाउंट वगैरह हम देखेंगे, ड्रॉइंग्स होंगी, एडिशन होगी. बट इन केस ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटिटी वी कैन हैव अ सिंपल और अ कॉम्प्लेक्स. बट एक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? व्हेन अ कंपनी इश्यूज ऑप्शंस, व्हेन अ कंपनी इश्यूज डेट, व्हेन अ कंपनी इश्यूज पब्लिक डिपॉजिट, व्हेन अ कंपनी इश्यूज इक्विटी शेयर्स, व्हेन द कंपनी इश्यूज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में. मैं आपसे ये कहता हूं, आप सिंपल वेनीला आइसक्रीम खाते हैं, प्लेन वेनीला, दैट इज सिंपल. बट आप क्या करते हैं, टूटी फ्रूटी भी खाते हैं, ऊपर चॉकलेट का डिप लगवाते हैं, फिर मजे लेते हैं जिंदगी के. तो मैं कहूंगा दैट इज अ कॉम्प्लेक्स. इफ ई सॉप्स आर देयर, इफ 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 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर देयर, इफ प्रेफर्ड स्टॉक इज देयर, देन आई विल से दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स. इट मीन्स अ कंपनी कैन ईदर हैव अ सिंपल फॉर्म ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर और कैन हैव अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. बेटे लीगल रिक्वायरमेंट देख लीजिए, देर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट टू डिस्क्लोज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सिमिलरली नो लीगल रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑल्सो टू डिस्क्लोज इट. ठीक है जी, यहां देख लीजिए, देर इज कंपनी के केस में देर इज अ लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस, इट इज नेसेसरी आरटीआई, इट इज कंपल्सरी दैट अ कंपनी शुड डिस्क्लोज. अब आप आ जाइए सोल ओनर में, नो एनुअल ऑडिट इज रिक्वायर्ड, नो एनुअल ऑडिट इज रिक्वायर्ड, नो एजेंसी प्रॉब्लम. ये मैं बता चुका हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंसी, एंड नो ऑडिट का भी बता चुका हूं. ओके, अगेन नो एजेंसी प्रॉब्लम, नो दिस, बट इन केस ऑफ दिस इज ऑडिट इज रिक्वायर्ड, एजेंसी प्रॉब्लम इज हियर बिकॉज ओनर्स एंड मैनेजमेंट इज डिफरेंट. तो जल्दी से बेटे याद करना है आपने, मैंने बड़ा रियल स्टोरी से इस पूरी पीपीटी को रिलेट किया, बंटी और बबली का एग्जाम्पल दिया. एटलीस्ट आप अपने क्लास नोट्स में बंटी बबली लिखें, वैसी झोपड़ी सी बनाएं, प्रोप्राइटर से स्टार्ट किया, फिर पार्टनरशिप फर्म बन गई, फिर कंपनी बन गई, बट इन तीनों एंटिटीज में डिफरेंस है. आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप ढाबे में चाय पीते हैं, रेस्टोरेंट में चाय पीते हैं, फाइव स्टार में चाय पीते हैं, है तो चाय है तो बिजनेस, बट फाइव स्टार के मजे ही अलग है, बट फाइव स्टार में कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी. सिमिलरली प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और एज अ कंपनी, बेटे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. और लेक्चर 6 जो मैं ले रहा हूँ ना बेटा, आप ये मान के चलिए 99.99 केसेस में आप YouTube में उसका लेक्चर देखेंगे नहीं, वो टॉपिक थोड़ा सा हट गया है. बेटे बस भूपेश आनंद आपको A to Z सब कुछ कराएगा कैप्लन और BBBS से, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना. आप बस इन सभी को क्लास नोट्स प्रिपेयर करो, पीपीटीज की हार्ड कॉपीज अपने सामने निकाल कर रखो, कुछ कमेंट लिखो, कुछ शेयर कर दो वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.